हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपनी डेविल को कोड स्टार्ट करा हुआ है। संडे मॉर्निंग है और गाइस ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है इस टाइम। सो गाइस, वीडियो बनाने में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस फिलहाल अभी हम लोगों ने अपनी बाइक को कोड स्टार्ट करा हुआ है और चलते हैं हम लोग अपने मीटअप पॉइंट पर, मिलते हैं अपने और राइडर्स से और फिर देखते हैं हम लोग को और कहाँ जाना है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अपनी बाइक पे। ये गए अंकुर भैया पीछे, साथ ही साथ गाइस ये जा रहे हैं अक्षय भैया, इसी के साथ गाइस ये जा रहे हैं अपने गौरव भैया और केशव भैया, और हार्दिक भैया तो हमेशा की तरह सबसे आगे चल रहे हैं, आप लोग को दिख ही रहा होगा। सो गाइस, आज मेरे कैमरा एंगल में जो है थोड़ी यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है। सो गाइस, मैं उसको आगे फिक्स करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल सबसे आगे हमेशा की तरह चल रहे हैं हार्दिक भैया, तो गाइस चलिए हम लोग उनको पकड़ते हैं और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज़, हम लोग यहाँ पर रुके थे फ्यूलिंग कराने के लिए और उतनी देर में हमारे जो साथ के राइडर्स हैं वो यहाँ पर, उनमें से कुछ लोग आगे चले गए हैं। तो गाइज़ चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं, उनको पकड़ते हैं और गाइज़ अपनी लिमिट से हम लोग चलेंगे। और यहाँ पर ये देखिए अक्षय भैया हम लोग को यहाँ पर अच्छा सा ओवरटेक मारते हुए। सो गाइज़ हम लोग यहाँ पर थोड़ा अपनी लिमिट्स में चलेंगे क्योंकि गाइज़ वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी सेफ रहना है। सो गाइज़, आज यहाँ पर रोड पे बहुत ज़्यादा बजरी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, इसके से हम लोग थोड़ा कंट्रोल में चले। लेकिन फिलहाल आप अंकुर भैया का लीन तो देखिए यहाँ पर क्या ही चल रहा है यार। फिलहाल गाइस आप लोग इस कार वाले को देखिए ये कहाँ चल रहा है और इसके चक्कर में हमारे यहाँ पर होती हुई क्लोज कॉल, मतलब गाइस बंदा अपनी लाइन में चल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। चलो कोई बात नहीं गाइस, रोड पे चलेंगे तो रोड पे तो लाखों तरीके के लोग हम लोग को मिलते ही हैं। फिलहाल हम लोग अपनी राइडिंग पे करते हैं कंसंट्रेट। हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं अंकुर भैया को ओवरटेक करने के लिए, लेकिन गाइस आप लोग देख ही सकते हैं भाई सब चाहते ही नहीं है हम आगे जाएं। लेकिन गाइस हम लोग भी यहाँ पर आगे निकल के ही रहेंगे, तो यहाँ पर मैं भी अपना फुल ट्राई कर रहा हूँ। ये कोई रेस नहीं है, ये हम लोग यहाँ पर ऐसे ही मज़े के लिए कर रहे हैं। तो गाइस चलिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने मार दिया अंकुर भैया को भी ओवरटेक। गाइस चलिए इस राइडिंग को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर है चौकी जिसकी वजह से मैं हुआ स्लो और इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया अंकुर भैया ने, और अंकुर भैया निकल गए हम लोग को ओवरटेक करके आगे। तो गाइस चलिए कोई बात नहीं, जैसे ही यहाँ पर ये एरिया क्रॉस होगा हम लोग अंकुर भैया से फिर से आगे निकल जाएंगे। तो गाइस चलिए आगे देखते हैं हम लोग को और देखने के लिए क्या मिलता है। सो गाइस, यहाँ पर ये खड़े हमारे बाकी के राइडर्स हमारा यहाँ पर वेट करते हुए, और गाइस हमारे पीछे भी हमारे यहाँ पर कुछ राइडर्स रह गए हैं जिनका वेट हम लोग को भी यहाँ पर करना पड़ेगा। तो गाइस चलिए रुकते और देखते हम लोग को आगे देखने के लिए क्या मिलता है। सो गाइस सब राइडर्स आ चुके हैं, तो गाइस इसलिए हम लोग आगे अब चलते हैं और देखते हैं आगे हम लोग राइड में क्या होने वाला है। फिलहाल जो कुछ इसके बाद राइड में हुआ वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो गाइस चलिए हम लोग आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग देखें कि आगे हुआ क्या इस वीडियो में। सो गाइस, मेरे और बाकी राइडर्स के बीच में यहाँ पर थोड़ा गैप बन जाता है, इसलिए मैं जल्दी से बाइक खींच के आगे की तरफ जाता हूँ। लेकिन गाइस उस टाइम मैं यहाँ पर ऐसा कुछ देखता हूँ कि मेरी हालत ख़राब हो जाती है। सो गाइस, यहाँ पर मैं इमरजेंसी की वजह से एकदम से राइट टर्न लेता हूँ, ट्रक वाला मुझे देख के होपलेस हो जाता है और यहाँ पर हैंड ब्रेक लगा देता है। आप लोग उसके टायर से स्मोक देख सकते हो और गाइस हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, रुक जा रुक जा। अबे रेस ही नहीं कब हुई, रेस छोड़ दी, भागी जा रही। लगी तो नहीं बाहर निकाल लो, बाहर रुक जाओ। तार कहाँ से ये तो अंदर ही घुसेगा, उधर से नहीं यही निकलेगा, ये बॉडी दबेगी अंदर। सो गाइस आपने देखा ही कि क्या हुआ, तो गाइस अभी अक्षय भैया को देखे कि वो क्या कर रहे हैं।
सकते। अबे सो गाइस, ये होती है यूट्यूबर्स लाइफ, जैसा कि अभी आप लोगों ने अक्षय भैया का रिएक्शन यहाँ पर देखा है। सो गाइस चलिए अब हम लोग क्लोजली देखते हैं कि एक्चुअली वहाँ पर उस टाइम हुआ क्या था। सो गाइस ये यहाँ पर इंस्टा 360 हार्दिक भैया की चेस्ट माउंट पे लग रखा था, जो कि अक्षय भैया के जस्ट पीछे चल रहे थे, और फाइल यहाँ पर थोड़ी करप्ट है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा ब्लर चल रही है, लेकिन गाइस आप लोग इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि हुआ क्या था। इसी के साथ गाइस अभी आप लोग को गोप्रो की क्लिप भी देखने के लिए मिल जाएगी। Fuck banker. Oh fuck banker. Ah. Help me. उठा मेरे को उठा, मेरा पैर फंसा हुआ है, चोट नहीं है ज्यादा कुछ। और ये देखो गाइस मेरा एक्सीडेंट हो गया। सो गाइस वहाँ पर हुआ कुछ ऐसा था कि अक्षय भैया की जो बाइक का थ्रॉटल है वो वहाँ पर हो गया था लॉक, जिसकी वजह से उन्होंने जब ब्रेकिंग करी तो गाइस बाइक के ब्रेक्स काम नहीं करे, क्योंकि गाइस फुल थ्रॉटल पे बाइक लॉक हो चुकी थी। लेकिन गाइस उसके बाद भी, क्रैश होने के बाद भी, आपने देखा कि भैया ठीक थे, पूरी तरीके से खुश थे, खुश तो नहीं मतलब एटलीस्ट वैसे कि हाँ ठीक थे, क्योंकि गाइस उन्होंने प्रॉपर राइडिंग गियर्स पहन रखे थे और गाइस हमेशा सेफ्टी से राइड करते हैं। तो गाइस इसीलिए हम लोग आपसे कहते हैं कि हमेशा अपनी लिमिट्स में और सेफ्टी से राइड करो और हमेशा अपने प्रॉपर गियर्स पहनो, क्योंकि गाइस वो आप लोग को ही बचाएंगे। सो गाइस उन्होंने प्रॉपर गियर्स पहन रखे थे, इस वजह से उनको यहाँ पर कोई ऐसी इंजरी नहीं आई जिससे दिक्कत हो सकती थी। बाइक्स तो यार ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी हम लोग को कुछ ऐसी इंजरीज हो जाती है जिससे हम लोग कभी भी लाइफ टाइम बाहर नहीं निकल सकते। सो गाइस हमेशा राइड सेफ करो और प्रॉपर गियर्स के साथ करो। सो गाइस अगर हम लोग यहाँ पर RR310 की डैमेज की बात करें तो गाइस यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कोई मेजर डैमेज वैसा नहीं आया है, लेकिन गाइस जो एग्जॉस्ट है हमारा आफ्टर मार्केट एक्रापोविच का, वो यहाँ पर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। इसी के साथ साथ गाइस बाइक की बॉडी में, फेयरिंग में आप लोग यहाँ पर स्क्रैचेस रगड़ देख सकते हैं, ब्रेक लीवर टूट चुका है, मिरर्स में भी स्क्रैचेस है, और बॉडी हल्की सी कह सकते हैं कि हाँ लॉक्स शायद उसके टूट गए हैं। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर जो फुट रेस्ट है राइडर्स का वो भी यहाँ पर टूट चुका है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई मेजर डैमेज ऐसा नहीं आया। अक्षय भी अभी यहाँ पर ठीक है पूरी तरीके से। सो मेन बात तो यही है ना कि हमारा राइडर जो है वो ठीक है। सो गाइस अब यहाँ पर जो होना था वो तो हो गया, मेन बात ये है कि हमारा राइडर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फाइन है और बाइक भी चलने लायक हालत में है। सो गाइस फिलहाल सबको लग रही थी भूख, तो गाइस सब लोग अभी हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद गाइस देखते हैं हम लोग को आगे क्या करना है। राइडिंग गियर सच में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होते हैं हम बाइक राइडर्स के लिए, क्योंकि गाइस वो बहुत कुछ गलत होने से बचा लेते हैं। सो गाइस फिलहाल हम लोग एक जगह पे रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि गाइस सबको जो है बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी। तो गाइस यहाँ पर हम लोग का ये सब देख के और भी ज़्यादा हम लोग की भूख बढ़ती जा रही है, तो गाइस पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आप लोगों से बात करते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने जो है ब्रेकफास्ट कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर की ओर। और तेरी R15 वाला बंदा भाई बहुत गेटअप निकला है यहाँ से, और गाइस आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं बखांडी ब्लॉक का भी ग्रुप जो है वो यहाँ से जा रहा है। तो गाइस हम लोग बात करते हैं आज की। तो गाइस आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन गाइस अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। इससे हम लोग को ये सीख मिलती है कि हमेशा जो है अपनी लिमिट्स में राइड करो, प्रॉपर गियर्स के साथ सेफ्टी से राइड करो, क्योंकि गाइस राइडिंग गियर्स आप लोग को बहुत कुछ होने से बचा लेते हैं। सो गाइस बिना राइडिंग गियर्स के कभी राइड मत करो। सो गाइस इसी नोट के साथ करते हैं हम लोग इस वीडियो को क्लोज। अगर आप लोग को ये जो वीडियो है ये किसी भी रीज़न से अच्छी लगी हो तो गाइस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है, बाइक रिलेटेड कंटेंट, मोटो व्लॉगिंग और इस टाइप का कंटेंट अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो गाइस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ। सो प्लीज I want to reach 1 million likes. So please sarapakara. Okay, thank you.